हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएल सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, उन सभी सब क्वेश्चंस पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए, तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस ग्रुप को ज्वाइन भी कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा एक्स माइनस 1 माइनस 7 आयोटा इक्वल्स टू 0। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा एक्स माइनस 1 माइनस 7 आयोटा इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करना है हमें, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, इसे हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, देयरफोर ए का वैल्यू रहेगा हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, एक्स यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आयोटा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ध्यान दीजिए किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आयोटा। ओके, एंड देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा, 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके, इस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, इस 4 से माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28 आयोटा मिलेगा। देखिए माइनस माइनस 4 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ है, और ये 4 से ही हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है। देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 प्लस 4 8, ओके 4 आयोटा माइनस 28 आयोटा 24 आयोटा, फिर इसके बाद माइनस 24 आयोटा सॉरी माइनस 24 आयोटा 4 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 24 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस 1, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, देयरफोर देखिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या रहेगा, देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 24 आयोटा या फिर 8 माइनस 24 आयोटा माइनस 1, देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 7 माइनस 24 आयोटा। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देयरफोर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 माइनस 24 आयोटा। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, चलिए पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड करते हैं, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा का। देखिए हमें क्या कंसीडर करना है, लुक हियर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा जो है इसके इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, लेट लेट
स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू आयोटा। सपोज हमने इसका स्क्वायर रूट पी प्लस क्यू कंसिडर किया है, तो यहाँ पे पी कॉमा क्यू जो है ये दोनों भी बिलोंग्स टू आर रहेंगे, पी और क्यू बिलोंग्स टू आर। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7 माइनस 24 आयोटा का। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ का निकल जाएगा, 7 माइनस 24 आयोटा रहेगा, और इसका हमें स्क्वायर लेना है पी प्लस क्यू आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ये मिलेगा पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू आयोटा प्लस क्यू स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड देयरफॉर 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू, अब इसे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू आयोटा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू माइनस वन। ओके, नाउ देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा इसके आगे हमें, 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आयोटा। ओके, अब देखिए हम दोनों साइड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, 7 इक्वल्स टू या फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 7 लेते आएगा। ठीक है, इसे कहेंगे सपोज हम फर्स्ट। ओके, फिर इसके बाद 2 पी क्यू इक्वल्स टू हमें लेते आएगा माइनस 24, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट 2 पी क्यू है और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट माइनस 24 है, तो 2 पी क्यू इक्वल्स टू माइनस 24, therefore p equals to या फिर हम q equals to ले सकते हैं, q equals to minus 24 upon 2p and therefore q equals to minus 12 upon p। ओके, हमें q का वैल्यू minus 12 upon p मिला है, चलिए इसे कहते हैं हम सेकेंड। ओके, अब इसे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट q equals to minus 12 upon p इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 12 अपॉन पी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 7। ओके, हमने क्यू इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन पी सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 144 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, माइनस 12 का स्क्वायर 144, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर मिलेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, इसे अगर पी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये पी रेज टू 4 हो जाएगा, इसे अगर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 144 रहेगा, और इसे अगर हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 पी स्क्वायर मिलेगा। Therefore, p raised to 4 minus 7 p square minus 144 equals to 0. अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं, देखिए p raised to 4 इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म माइनस 144 है, दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा माइनस 144, तो माइनस 144 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब माइनस 7 आना चाहिए। तो देखिए हम माइनस 6 और 9 कंसिडर कर सकते हैं, माइनस 6 प्लस 9 माइनस 7, और माइनस 6 इंटू 9 सॉरी माइनस 16 सॉरी माइनस 16 और 9 कंसिडर कर सकते हैं, माइनस 16 इंटू 9 इट विल बी माइनस 144, तो हमारे पास दो नंबर रहेंगे माइनस 16 और प्लस 9, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं पी रेज टू 4 माइनस 16 पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म से हम पी स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 16 रहेगा, यहाँ से सपोज हमने अगर 9 बाहर लिया तो ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 16 रहेगा। देयरफॉर
एक ब्रैकेट हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 16 का रहेगा, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 9 का रहेगा। एंड देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हमें मिला है और साथ में पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 मिला है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9। बट व्हाट इज पी, पी इज द रियल नंबर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। व्हाट इज पी, पी इज द रियल नंबर और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल नहीं है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे पी इक्वल्स टू हम प्लस माइनस 4 ले सकते हैं। अगर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है तो पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 9। ओके, या फिर पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कहेंगे। क्यों पॉसिबल नहीं है, सिंस यहाँ पे हम रीजन देते हैं पी बिलोंग्स टू आर। ओके, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिंस पी बिलोंग्स टू आर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके, पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 इज नॉट, या फिर इसके नीचे हम रीजन देते हैं इस प्रकार से, सिंस पी बिलोंग्स टू आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हमारे पास p के दो वैल्यूज है, कौन कौन से, p इक्वल्स टू प्लस और p इक्वल्स टू माइनस 4। देयरफॉर हम कंसिडर करते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या पॉसिबल है, p इक्वल्स टू 4 और p इक्वल्स टू माइनस 4। अगर p का वैल्यू 4 रहेगा, देखिए इक्वेशन सेकंड में अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हेन p इक्वल्स टू पुट p इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में अगर हम p का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर q इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 3। मतलब p जब 4 रहेगा तब q का वैल्यू माइनस 3, एंड देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू, हमने क्या लिया है, p प्लस q आयोटा। व्हाट इज p, p इज 4 और q कितना है, माइनस 3, तो 4 माइनस 3 आयोटा, ये स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। नाउ पुट p इक्वल्स टू माइनस 4 इन इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन सेकंड में हम p का वैल्यू माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर q इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 3। मतलब जब p माइनस 4 है तब q 3 है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू क्या है, p प्लस q आयोटा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। ध्यान दीजिए हमारे पास स्क्वायर रूट दो प्रकार के हमें मिले हैं, एक 4 माइनस 3 आयोटा, दूसरा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, दीज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। ओके, अब हमें लेना है फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। ओके, नाउ देयरफॉर अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा, इट विल बी 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की हमारे पास दो वैल्यूज है, 4 माइनस 3 आयोटा और माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। यहां से अगर सपोज हमने माइनस साइन बाहर लिया, ध्यान दीजिए यहां से अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 4 माइनस 3 आयोटा। ओके,
4 माइनस 3 आयोटा, तो इस प्रकार से इसे हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मतलब ये दो वैल्यूज़ हम इस प्रकार से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा के दो वैल्यूज़ है, प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 माइनस 3 आयोटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, हमने स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 एसी फाइंड किया है, हमें प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा मिला है, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे सेपरेटली लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। नाउ अपॉन 2 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब 2 ही मिलेगा। देयरफोर x के हमारे पास अब दो वैल्यू रहेंगे, एक 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, ओके। और ध्यान दीजिए, और x इक्वल्स टू हमारे पास दूसरा वैल्यू रहेगा 2 प्लस आयोटा, अब माइनस लेना है, मतलब माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ओके। एक हमें प्लस लेना है, दूसरा हमें माइनस लेना है, अपॉन 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये 2 प्लस 4 6 रहेगा, प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा रहेगा, तो x इक्वल्स टू हमारे पास है 6 माइनस 2 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, और x इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू क्या रहेगा x का, ध्यान दीजिए, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2, एंड देयरफोर x इक्वल्स टू अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 माइनस आयोटा, और x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज रहेंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा और x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू 0, ओके। कंपेयरिंग विथ, इसे हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आयोटा, एंड सी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। देखिए वैल्यूज ध्यान से लीजिए, अगर एकाधी भी वैल्यू हमसे गलत हो जाएगी यहाँ पे, तो आगे का आंसर हमारा गलत होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज, इसका स्क्वायर लेने के बाद ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसे किस प्रकार से लिखना है, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आयोटा, और इसका हमें स्क्वायर लेना है, माइनस 4 ए सी 4 इंटू 1 इंटू 6 अंडर रूट 2 आयोटा, ओके। देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू, इस माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा, इसे एक्सपांड करने के लिए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये मिलेगा हमें 18, किस प्रकार से 18 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 18, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6, उसका डबल 12, 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, इट विल बी 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 6, ये रहेगा हमारे पास 24 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ओके। नाउ देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 18, अब ये 12 स्क्वायर रूट आयोटा माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इट विल बी माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और यहाँ पे माइनस 4 मिलेगा, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस 1। नाउ देयरफोर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 14 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, 18 माइनस 4, इट विल बी 14, इसका लेना है हमें स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा,
इसे अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू आयोटा, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसे हमने पी प्लस क्यू आयोटा लिया है। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो 4 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इस प्रकार से मिलेगा, और यहाँ पे रहेगा p प्लस क्यू आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर 14 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू p प्लस क्यू आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या रहेगा, p स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आयोटा प्लस क्यू स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, तो 4 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वाई, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, प्लस यहाँ पे रहेगा 2 पी क्यू आयोटा, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू 14 मिलेगा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ का रियल पार्ट 14 है, यहाँ का रियल पार्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है 2pq, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है माइनस 12 अंडर रूट 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस 2p को ट्रांसफ़र करते हैं, देयरफॉर q इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 12 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 अपॉन 2p, एंड देयरफॉर q इक्वल्स टू माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन p, इसे कहेंगे हम सेकंड। 2 से माइनस 12 को हमने डिवाइड किया है। ओके, अब देखिए हमारे पास q का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट q इक्वल्स टू माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन p इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन p ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, माइनस सिक्स अंडर रूट टू अपॉन पी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, सॉरी हमें क्यू का वैल्यू रखना है, पी स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, हमें किसका वैल्यू रखना है, क्यू का। क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस सिक्स अंडर रूट टू अपॉन पी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा कितना, 14। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर हम लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स अंडर रूट टू का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 36 इंटू 2 इट विल बी 36 इंटू 2 इट विल बी 72। ओके, 72 अपॉन क्या मिलेगा हमारे पास, पी स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 14। अब हम दोनों साइड को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। अगर दोनों साइड को हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा पी रेस टू 4, ये पी स्क्वायर इस पी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस 72। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा 14 पी स्क्वायर। नाउ देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर पी रेस टू 4 माइनस 14 पी स्क्वायर माइनस 72 इक्वल्स टू 0, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी स्क्वायर। अब हमें इसके फैक्टर्स लेने हैं, किस प्रकार से फैक्टर्स लेने हैं, जिसका सम हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, कितना, माइनस 14। किसके फैक्टर्स लेने हैं, माइनस 72 के। ये माइनस 72 को हम माइनस 36 इंटू 2 ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं माइनस 9 इंटू 4 इंटू 2, चलेगा, 4 इंटू 2 8, 36 को क्या लिखा हमने, माइनस 9 इंटू 4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमें साथ में लेना पड़ेगा, अब इन दोनों को साथ में लेते हैं तो 6 और इन दोनों को साथ में लेते हैं तो 12 मिलेगा। ओके, अब इसको सपोज हम इसे यहीं पे अगर इस प्रकार से लेते हैं 18 इंटू 4 चलेगा, ये बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए 18 इंटू 4।
-18 + 4, ओके -72 को फैक्टर्स -18 और 4 जिनका सम -14 मिलेगा, सम क्या मिलेगा हमें -14, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है -72 मिलेगा। देयरफॉर हम यहां पे ले सकते हैं p^4 -18p + 4p - 72 = 0, ठीक है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर यहां से अगर हम पी स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा p^2 - 18, हमने पी स्क्वायर को बाहर लिया है, और यहां से अगर हम 4 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा p^2 - 18 = 0। तो हमारे पास एक ब्रैकेट है p^2 + 4 का, दूसरा ब्रैकेट रहेगा p^2 - 18 का = 0, ओके। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए p^2 + 4 = 0 और p^2 - 18 = 0, देयरफॉर p^2 = -4 और p^2 = 18, ओके। बट व्हाट इज p, p क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है, सिंस हम यहां पे क्या कहेंगे p belongs to R, p^2 - 4 isn't possible, is not possible, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो पॉसिबल क्या है, देयरफॉर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं p^2 = 18, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इस 18 को लिख सकते हैं हम 9√2 ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18, देयरफॉर p = हमारे पास क्या रहेगा ±3√2, ओके। हमारे पास p के अब दो वैल्यूज है, p = या तो हम 3√2 ले सकते हैं और p = -3√2 ले सकते हैं। नाउ पुट p = 3√2 इन इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन सेकंड में हम p का वैल्यू 3√2 रखेंगे, ये देखिए इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, तो हमें q का वैल्यू क्या मिलेगा, q = -6√2/3√2 = -6 और 3 कैंसिल करेंगे, √2 कैंसिल करेंगे, तो यहां पे वैल्यू मिलेगा हमें सिंपली -2, मतलब जब p का वैल्यू 3√2 है तब q का वैल्यू -2 है, तो इस वजह से हम √14 - 12√2 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हम क्या ले सकते हैं p + q आयोटा है। व्हाट इज p, नाउ p का वैल्यू 3√2 है, ओके, और फिर इसके बाद प्लस q का वैल्यू -2 है, तो ये -2 आयोटा। इस प्रकार से हमें √14 - 12√2 आयोटा का वैल्यू मिला है, कितना है 3√2 - 2 आयोटा। अब इसी प्रकार से p का वैल्यू हमने पहले 3√2 लिया है, अब p का वैल्यू -3√2 लेते हैं, पुट p = -3√2 इन इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन सेकंड में p का वैल्यू -3√2 रखेंगे तो q = क्या मिलेगा, देयरफॉर q = -6√2/-3√2, तो यहां पे q का वैल्यू हमारे पास 2 रहेगा, therefore √14 - 2√2 = जब p का वैल्यू -3√2 है तब q का वैल्यू 2 है, तो यहां पे हम ले सकते हैं -3√2 + 2 आयोटा, therefore √14 - 2√2 = यहां से अगर हमने माइनस साइन बाहर लिया तो 3√2 - 2 आयोटा रहेगा, ओके तो इस प्रकार से हमारे पास स्क्वायर रूट के दो वैल्यूज हैं, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देखिए therefore √14 - 2√2 = ±3√2, ओके -2 आयोटा। इस प्रकार से हमारे पास दो वैल्यू है स्क्वायर रूट के। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, x = -b + -√2
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, देयरफोर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। ओके, माइनस बी मतलब इसका निगेटिव तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये रहेगा थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस टू आयोटा। ओके, प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू माइनस टू आयोटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू ए। ए का वैल्यू तो हमारे पास वन है, तो यहां पे हम एक्स के दो वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, एक बार इसे प्लस लेना है, एक बार इसे माइनस लेना है, तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा थ्री स्क्वायर रूट टू ओके प्लस टू आयोटा प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू माइनस टू आयोटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू। अब इसी प्रकार से और एक्स इक्वल्स टू हमें दूसरा वैल्यू क्या लेना है, थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस टू आयोटा, अब लेना है माइनस, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगा माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस टू आयोटा माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस टू आयोटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू। ओके, अब इस केस में टू आयोटा कैंसिल होगा, यहाँ पे टू आयोटा गेट कैंसल, यहाँ पे माइनस प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू गेट कैंसल। इसका मतलब यक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, देयरफोर यक्स इक्वल्स टू, देखिए थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू इट विल बी सिक्स स्क्वायर रूट टू, सिक्स स्क्वायर रूट टू अपॉन टू थ्री स्क्वायर रूट टू, और यक्स इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, टू आयोटा प्लस टू आयोटा फोर आयोटा, फोर आयोटा अपॉन टू इट विल बी टू आयोटा। तो इस प्रकार से x के हमारे पास दो वैल्यू रहेंगे, एक रहेगा थ्री स्क्वायर रूट टू, ये जो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्री स्क्वायर रूट टू, और दूसरा रूट रहेगा टू आयोटा। चाहे तो आप ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सपोज हमने थ्री स्क्वायर रूट टू रखा यहाँ पे, तो थ्री स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या मिलेगा ना, थ्री स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 18, तो इसका आंसर 18 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम थ्री स्क्वायर रूट टू लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे थ्री स्क्वायर रूट टू से थ्री स्क्वायर रूट टू को मल्टीप्लाई किया तो 18 मिलेगा। ये प्लस 18, यहाँ का माइनस 18 कैंसिल होगा, ये माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस टू आयोटा, लेकिन एक्स कितना है थ्री स्क्वायर रूट टू, तो ये रहेगा सिक्स स्क्वायर रूट टू आयोटा, यहाँ का माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू आयोटा प्लस यहाँ का सिक्स स्क्वायर रूट टू आयोटा, ये हमें जीरो देगा। तो देखिए ये पहला वैल्यू तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, आप सेकंड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टू आयोटा का स्क्वायर क्या रहेगा, फोर आयोटा स्क्वायर, फोर आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस फोर। यहाँ पे अगर टू आयोटा रखते हैं तो टू आयोटा इंटू टू आयोटा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर, माइनस फोर आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस फोर, यहाँ का प्लस माइनस फोर यहाँ का प्लस फोर कैंसिल होगा, फिर से टू आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू आयोटा, देखिए प्लस सिक्स स्क्वायर रूट टू आयोटा इसके साथ कैंसिल होगा, हमें जीरो मिलेगा। मतलब ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड किए स्क्वायर रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दोनों भी वैल्यूज हमारे सही है। ठीक है,